हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए आपके कक्षा 9वीं विषय गणित की सैंपल पेपर। आपको मैं बता दूं वीडियो की स्टार्टिंग में कि यह सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है सेम इसी तरीके से डिजाइन होंगे, ये सैंपल पेपर है, तो आपका टीचर्स जो है इसमें से चेंज कर सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से रख सकते हैं, कुछ को बदल सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है और पूरी वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको पूरा का पूरा पैटर्न जो है समझ आ पाए। और उससे पहले एक चीज़ों को याद रखना, आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर के कौन से चैप्टर तक का आएगा, 12 तक का आएगा, तो वहां तक के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोग इस वीडियो पर देखने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलो देख लेते हैं, जो भी निर्देश है उसको पढ़ लेना कंप्लीट। आपका 3 घंटे के लिए 75 मार्क्स का होगा, इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो तो 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखे। इसमें पहला क्वेश्चन देखो, 9875 का बीजांक होगा, तो आपको 9875 का बीजांक निकालना है। ऐसे सबको कंप्लीट 9875 को जोड़ देना है, कब तक करना है, एक अंक आने तक आपका, फिर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती कोण का माप कितना होता है, 90 अंश से अधिक होता है, 90 अंश के बराबर होता है, 180 अंश से अधिक होता है, 180 अंश से कम होता है। इस टाइप से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको करके जाएंगे। समीकरण 2x-3 = 7 दिया होती, इसको आपको हल करना पड़ेगा। हल कैसे होगी, आपको 2x-3 दिया हुआ है बराबर में 7, तो सबसे पहले 2x = 7 इस 3 को भेजेंगे तो +3 के बन के जाएगा ऐसा। तो उस साइड देखो 7 और 3 = 10 हो जाएगा, तो 2x = 10। आपको x का मान निकालना है, इसलिए 2 को भेजेंगे तो 10/2 क्या हो जाएगी, 2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 इस तरीके से होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसका a जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर यहां तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु को बेचने पर सरकार द्वारा लिए जाने वाला कर कहलाता है। अगर कोई वस्तु हम लोग बेचते हैं तो वो कर क्या कहलाएगा, अगर सरकार द्वारा कर लगता है तो आयकर लगेगा, बिक्री कर लगेगा, चुंगी कर लगेगा या सीमा कर लगेगा। बहुत आसान है, आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। निम्नलिखित में सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो देख लेते हैं भाई ऑप्शन में क्या क्या है इसमें। यहां पर दिया है SS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 
बदल जाएगा। क्लियर है? बा देख लेते हैं, इसमें बा सेक्शन पर क्या दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच खाली स्थान संख्या होती है। दो क्रमागत प्राकृत संख्या, तो उसके बीच कितनी हम लोग संख्या निकाल सकते हैं, उस चीज को लिखना है यहां पर। दूसरा, यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर खाली स्थान होगी। तीसरा, वह बिंदु जिसके आधार पर किसी आकृति को घुमाया जाता है खाली स्थान कहलाता है। एक समपंचभुज में खाली स्थान सममित अक्ष होते हैं और फिर टेन 90 अंश का मान होता है। तो ये कंप्लीट आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से है और चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 12 तक की क्वेश्चंस है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से करके जाएंगे जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स देख लो, इसको स में क्या दिया हुआ है, सत्य असत्य। देखो, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखे, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण क्या होते, बराबर होते, सत्य है या असत्य उसको बताना है। फिर सॉरी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान एक होता है, इसको बताना है आपको। फिर तीसरा, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, उसको बताना है, सत्य है या असत्य। फिर रैखिक बहुपद की, रैखिक बहुपद जो होता है आपका, ठीक है, उसकी अधिकतम घात 2 होती है, सत्य है या असत्य उसको बताना है। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है, सत्य है या असत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सभी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा, मैं जहां तक देखा हूँ क्वेश्चन बैंक में हर एक क्वेश्चन है लगभग इसमें से, और आपका बुक से ही हर चीज को लिया गया, बहुत कुछ एग्जांपल्स को भी लिया गया, तो सबकी आंसर्स भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 2 मार्क्स वाली क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक इसका 2-2 अंक वाली होती है, आप लोगों को पता है। इसमें देखो, समीकरण 2 sin θ - 1 = 0 को हल करना है आपको, इसको हल कर लेना और थीटा का मान आपको बताना है कि कितना होगा। फिर नेक्स्ट में 2 करड़ी 2 + 3 करड़ी 5 और 5 करड़ी 2 - 5 2 करड़ी 5 का योग ज्ञात करना है, तो आपको दोनों का योग फल ज्ञात कर लेना है। चौथा, यदि बहुपद दिया P(x) = इतना, तब उसमें P(0) निकालना है और P(2) निकालना है, मतलब जहां पर x है वहां पर एक बार 0 रखोगे और एक बार 2 रखोगे, फिर इसकी आंसर आ जाएगा।
फिर पांचवा अंग्रेजी के अक्षर लिखना है आपको, अंग्रेजी के अक्षर ऐसे अक्षर लिखना है दो सममित रेखा बन, जिसमें दो सममित रेखा बन जाए और सममित रेखा नहीं बने ऐसे आपको एक एक दो दो अक्षर आपको लिख देना है, ठीक है। दो मार्क्स वाले तो एटलीस्ट दो सममित रेखा बने ऐसा कुछ लिख लो, कुछ भी हो सकता है जिसमें दो सममित अक्षर बने, जैसे कि आप ले सकते हो ई, ई पे कितना सममित अक्षर बनेगा, एक भी नहीं बनने वाला इसमें, ठीक है। जी पे कितना बनेगा, एच पे कितना बनती है, उस तरीके से जिसमें दो सममित अक्षर बनता है उसके नाम को आपको लिख लेना है और जिसमें बिल्कुल भी नहीं बनता उसको लिख देना है, क्लियर। फिर इसमें दो नंबर वाली लास्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर का क्या बोल रहा है कि 10^60 + 10^45 का मान आपको ज्ञात कर लेना है। तो 10^60 अंश का मान जितना भी होता है आपको त्रिकोणमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, त्रिकोणमिति सारणी, वहां से देख करके मान को और उसके बाद स्क्वायर करके उसको प्लस करोगे तो आंसर इसकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, 102 × 108 को सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए बोल रहे हैं। इसको सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से हल करना है। फिर आठवा 2/3 व 3/4 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 से बहुत ध्यान से कर लेना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या बोल रहा है कि 800 रुपये मूल्य की एक साड़ी 15% बट्टे पर बेची जाती है, तो साड़ी का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। इसका अंकित मूल्य 800 रुपये मूल्य की एक साड़ी को 15% बट्टे पर बेचते हैं, मतलब अंकित मूल्य 800 रुपये है, अगर उस पर 15% बट्टा लगेगा, ठीक है, बट्टा मतलब उस कदम 15% छूट हो जाएगा, तब उस साड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा उस चीज को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है तथा ई एफ एक तिर्यक रेखा है जो ए व बी को सी डी को ए बी व सी डी को एच व जी पर प्रतिच्छेद करती है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं डायग्राम कहाँ पर है, ये दिया हुआ है डायग्राम, इसको देख लेना है। और इसमें आपको जितने भी संगत कोण हो गया, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, ये सब रूल अप्लाई करके आपको क्या करना है, इसका इसमें x और y का मान निकालना है। देखो यहाँ पर 3x लिखा है और यहाँ पर 4x, और y कहाँ पर लिखा है, y नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को y कहीं पर x दिया है तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इसमें, और y को कहीं पर दिया रहा था शायद भूल गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहां से चार नंबर वाली क्वेश्चन है और अथवा स्टार्ट होती है। देखो इसमें कि 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 760 रुपये में बेची जाती है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, बट्टा भी बताना है और बट्टा का प्रतिशत भी। इसके अथवा में है, सरिता ने एक कूलर 15% कर सहित, मतलब कर उसमें टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है, तब ये 5,750 रुपये में खरीदते हैं, तो कर के जुड़ने से पहले मतलब कर को अगर हटा देंगे तो कितना रुपये में मिलेगा उस चीज को आपको बताना है। फिर बारवा, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात आपको बताना है, मतलब tan थीटा का क्या होता है, लंबटा कर्ण, लंबटा आधार होता है, तो उसके हिसाब से आपको फिर एक त्रिभुज बना लेना है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करोगे फिर उसकी आंसर जो है आ जाएगी। सिमिलरली इसमें इसके अथवा में दिया cos थीटा बराबर 1/3 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब आपको sin थीटा निकालना पड़ेगा, टेन कॉट से कौशिक, ये सब कुछ का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब 13 देख लेते हैं, 13 में क्या बोल रहा है, एक गांव, ये ठीक है गांव लिखा है मेरे हिसाब से, एक गांव की जनसंख्या 8,000 है, यदि जनसंख्या 5% वार्षिक दर से कम हो रही है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेना, इसके आंसर आपको मिल जाएगा बुक से, ठीक है। बैंक में जमा धनराशि ₹50,000 पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज की गणना करना है आपको। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 14 जो 4 नंबर के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो साइन थीटा बराबर दिया है, तब इतना दिया हुआ है, तो इस चीज को इसका मान ज्ञात करना है, इसके अथवा में ये वाली क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को जरूर करके जाओगे, इसी तरीके की क्वेश्चन आपके टीचर्स आपको दे सकते हैं। अब क्वेश्चन यही आएगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक स्कूल का अपने मन से सेट करेंगे सभी टीचर, तो हो सकता है यही क्वेश्चन दे दे या इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकते हैं। जाहिर सी बात है ज्यादातर चांसेस है कि चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज करने बोला गया है, ये सैंपल पेपर है आपके लिए, है ना, ठीक। 15 और 16 देख लेते हैं, इसमें देखो क्या है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, या इसके अथवा में सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये प्रमेय है, आपको चैप्टर नंबर 10 से मिल जाएगा, इसकी आंसर्स वहां से आप लोग एज ए टिक उठा सकते हो, प्रमेय है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या बोल रहा है, यदि ए व बी दो प्रमेय संख्या, तो ये तो मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 2 से है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पे जाओगे तो ये इसकी आंसर आपको मिल जाएगी, a प्लस कर डी 3/6 − 6 − 3 = a प्लस बी कर डी 3 है, तो आप लोग को इसको वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अथवा में सरल कीजिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक, इसको देख लेना। फिर 17वां, मध्य बिंदु
प्रमेय लिखकर के सिद्ध करने का, और प्रमेय आ गया तो फिर से इसको देख लेंगे और किसी त्रिभुज, तो ये तो उदाहरण में दिया हुआ है, इसके आंसर आपको मिल जाएगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दिया हुआ है तो उसके त्रिभुज के प्रत्येक कोण का आपको मान ज्ञात करना है, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 18, 6 नंबर के लिए। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरी कोण से 15 अंश अधिक है, सॉरी तीसरा कोण दूसरे कोण के दोगुने से 25 अंश अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण आपको ज्ञात करना है उसके, अथवा में विमला और सरिता की आयु में 7:5, 5 का अनुपात है तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगी, तो उसकी आयु ज्ञात करना है। देखो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस भी चैप्टर से जितने मार्क्स के लिया गया है उसी के हिसाब से आप लोग इतने क्वेश्चंस को करके जाओगे एग्जाम के लिए, डेफिनेटली आपको 75 में एटलीस्ट 50+ तो आराम से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका क्लास 9 के बाद हम लोग आपके क्लास 10 का भी तैयारी इसी चैनल पर आपका बेस्ट वे पे करा पाए। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पे, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करेंगे ताकि उन सभी तक भी हम पहुंच पाए और उनका भी हेल्प कर पाएं।